आज हमारे ये दिक्कत है ना कि हमको पानी भी नहीं मिल रहा है और ना ही कैंपिंग की लोकेशन मिल रही है। नहीं, अगर नहीं होगा पानी फिर क्या करेंगे? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो गाइज अभी मैं वापस जा रहा हूँ नीचे को, मैंने उन दोनों को भेज दिया शॉर्ट रास्ते से, वो नीचे वाली रोड में मिलेंगे मुझे, क्योंकि कैंपिंग की लोकेशन ऊपर नहीं मिल पा रही थी और ना ही वहाँ पानी है। आज के वीडियो बहुत ही अच्छी और रोमांचक होने वाली है। ये देखिए एकदम डाउन, रोड का इंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नहीं, रोड बढ़िया है, रोड तो सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है ना दिक्कत, यहाँ पर आर्मी वाला एरिया है तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा कैंपिंग, एकदम ऐसे भी कहीं भी कैंपिंग करना अलाउड नहीं है। बात है लोहिए भाई, और ये इतनी जल्दी आ गए, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही जल्दी आ गए ये लोग। और यार अब मैं देख रहा हूँ लोकेशन तो मिले तो मिले कहाँ, बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है अभी यहाँ। एक तो हम यहाँ पर ऐसे ही टेंट नहीं लगा सकते ना, यहाँ पे ये है आर्मी वाला एरिया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। लोकेशन है कुछ इस तरीके का, चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। पानी की दिक्कत है भैया, एक बार यहाँ चेक कर लें, एक बार यहाँ चेक कर लें। या तो फिर वो नीचे जाना पड़ेगा पानी के लिए, और आगे चलते हैं। यहाँ से और आगे चलते हैं, तो वहाँ पानी नहीं होगा तो हो सकता है पर। नहीं, अगर नहीं होगा पानी फिर क्या करेंगे भैया? यहाँ पर आगे पानी भी है क्या कहीं रास्ते में? कितना नीचे होगा, मतलब मिल जाएगा पानी आगे आगे मोड़ पे? चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आज हमारे ये दिक्कत है ना कि हमको पानी भी नहीं मिल रहा है और ना ही कैंपिंग की लोकेशन मिल रही है, तो ये दो चीज़ें कैंपिंग में बहुत ज़रूरी होती है, पानी और लोकेशन। यहाँ से नीचे को रोड है, अच्छा अरे रुको रुको, बैठे रहो। गाइस यहाँ पे मेरी बैंड बज गई थी क्योंकि रोड बहुत ही खराब है। कमलदा की हेवी ड्राइविंग, हेवी ड्राइव, तो ढूंढते हैं कोई और जगह क्योंकि यहाँ कैंपिंग तो मुश्किल ही है। अब ये रोड यहाँ से ऊपर को गई, एक नीचे को गई, तो गाइस फाइनली हमको लोकेशन मिल चुकी है और पानी भी मिल चुका है, मतलब दोनों एक साथ मिली हमको। और ये देखो यार लोकेशन कितनी प्यारी है, एकदम बहुत ही अच्छी लोकेशन, बहुत ही शानदार लोकेशन। चलो नीचे चलते हैं, और मेरे साथ लोहिया जी हैं, हेलो गाइस, और राहुल भाई हैं। तो यार कैसा होने वाला है आपका पहला कैंपिंग होने वाला है, क्या बोलना चाहोगे इस पहली कैंपिंग के बारे में? तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस योग्य समझा, आपने साथ बुलाया, ये तो हमारा, और कैंपिंग में मजा ही आएगा शायद, मैं तो पहले रहा नहीं हूँ कभी, तो यार मजा आएगा। आज की रात बहुत तगड़ी, आज की रात पार्टी करेंगे, बहुत तगड़ी होने वाली है, तो वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत कीजिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज हमने यहाँ पर बाइक लगा लेता हूँ। और तो गाइज यार हमने बाइक लगा ली है फिर, और बाकी अब कहीं देखते हैं टेंट की लोकेशन कैसी होने वाली है, क्या होने वाली है। यार मैं सोच रहा हूँ इसी यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ मज़ा नहीं आया ना। चलो ऊपर देखते हैं, कहीं ऊपर देखें, ऊपर वहाँ जाते ना तो ऊपर साइड, यहाँ पर इधर साइड पर देखते हैं कहीं। तो गाइज देख सकते हो हमारे पास ये वाला गैलन है। गाइज बड़े मुश्किल के बाद हमको यहाँ पर पानी मिला, पानी भरने के बाद फिर जाते हैं लोकेशन पे। तो गाइज पानी हमने भर लिया है,
पानी का गैलन कुछ इस तरीके से है और हम चढ़ रहे चढ़ाई को। तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, लोकेशन देखो यार, और लोकेशन काफ़ी अच्छी है और हम पहुंच गए अपनी लोकेशन वाली जगह पे। टेंट हम इधर कहीं लगाएंगे। वाह वाह वाह, जगह तो वैसे प्यारी है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। इधर पर लगेगा हमारा टेंट। लोहिया भाई भी आ गए हैं। तो गाइस अभी हम फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुंच गए हैं, लेकिन मैं एक बार ऊपर जाके आता हूँ लोकेशन कैसी होने वाली है। गाइस काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी कोई हमको रिजल्ट नहीं मिला अच्छा, लेकिन देखो चलते हैं नीचे, जो लोकेशन है वही बेस्ट है। बस अब हमारे लिए मेन ये है कि लकड़ियाँ इकट्ठा करना है। ऊपर अच्छी लोकेशन नहीं है उतनी, ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। तो गाइस हम सामान लेके आ चुके हैं और ये कमलदा लगा रहे टेंट। तो गाइस हमारा टेंट जो है यहाँ पे लगने वाला है और गाइस ये ब्लॉग पूरे जोश के साथ हम शूट करने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मजाक बनाने मजाक बनाने। गाइस आपको जरूर पसंद आएगा इनका ब्लॉग, काफी अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, तो आज इनके वजह से मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। तो गाइस कुछ इस तरीके से टेंट को लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप। तो गुड इवनिंग गाइज, टेंट का सेटअप हो चुका है और लकड़ी की व्यवस्था हमने थोड़ी बहुत कर दी है और चूल्हा हमने लगाया है यहाँ पे। इधर पे है हमारा चूल्हा, इधर पे आज हम बनाएंगे खाना और ये उस तरीके से हमने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है। और देखिए यार मौसम एकदम नेक्स्ट लेवल, कल मॉर्निंग में देखना आप, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। और ये देखिए टेंट के अंदर का ये है, ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है गाइज। ये देखिए काफ़ी अलग ही बहुत ही बढ़िया लग रहा है, काफ़ी ठंड भी नहीं लग रही उतनी। वैसे हमको स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि ठंड लगेगी, लेकिन ठंड नहीं लगी उतनी क्योंकि टेंट के अंदर वैसे भी हवा आती है नहीं, तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि यार ठंड तो नहीं लगनी चाहिए हमको। बाकी बाहर पे थोड़ी बहुत ठंड है, तो हम लकड़ी वकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। तो गाइस ऐसे छिल रहे हैं हम प्याज को, ये लेकिन सही कट रहे हैं। तो गाइस रात के बज चुके हैं 8:30, हम चाकू लाना भूल गए थे कमरे से, तो यार हम ऐसी कलाकारी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हमारी जली है आग। हमने प्याज काट लिया, अब टमाटर काटने, फिर करछी लाई नहीं है, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था हम करेंगे, ठीक है। आग हमारा वहाँ पे जला है, अब बनाएंगे हम तगड़ा वाला खाना। कुकर चढ़ चुका है चूल्हे में और ये हमारा घी तेल भी नहीं लाएगा, हम शुद्ध देसी घी लेके आए हैं, घर का घी, तो इसको गलाएंगे हम पहले और फिर हम बनाएंगे खाना। तो भाई लोग शुद्ध देसी तरीके से हम खाना बनाएंगे, कोई हमारे पास करछी तक नहीं है इसको हिलाने के लिए, बट हम बनाएंगे खाना। वो दोनों
रात के बजे है 9:48 और अभी हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। तो गाइस हमारे मसाले जो है तैयार हो रहे हैं, थोड़ा डालो इसमें और हाँ बस बस बस। तो गाइस इसमें पानी हमने डाल लिया है, अब इसको थोड़ा थोड़ी देर हम फ्राई होने के लिए रख देंगे थोड़ा गर्म। तो इस प्रकार का हमारा मसाला तैयार हो चुका है और इसमें नमक थोड़ा डालते हैं यार। और तो गाइस हम कुकर तो लेके आ गए थे लेकिन ये ढक्कन अलग आ चुका है हमारा, ना इसमें सीटी है ना इसका पीछे से ये है अटकाने के लिए, ऐसे कुछ भी नहीं है इसमें देखो। तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा खाना हमारा आज का। तो गाइस रात के बज गए हैं 10, हमने ये पूरा रेडी कर दिया है। वैसे अब मैं इसमें देखता हूँ कि नमक हो रहा है नहीं हो रहा है करके। हो रहा है भाई साहब, जो स्वाद है ना इसमें पूरा मीट की तरह हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा हो रहा है स्वाद। अब ये पक जाए बस ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए ये हमने मस्त बिरयानी बनाई है, मजा आ गया ये। तो गाइस बज गए हैं रात के 11:30 और हमारा खाना हो गया है रेडी। हमने बनाई है आज चिकन बिरयानी, आप इस तरीके से देख सकते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और देखिए बाहर हमने इस तरीके से लाइट लगाई है, उधर पे हमने चूल्हा बनाया था और ये हमारा थाल लग चुकी है। अब देखते हैं खाना कैसा होने वाला है। तो गाइस ये हमारा जो है खाना कमलदा बांट रहे हैं, डाल रहे हैं मतलब थाली में, देख सकते हो हमारा बिरयानी काफी महक तो काफी अच्छी आ रही है, पता नहीं खाने में कैसा हुआ है। बहुत बढ़िया हुआ है, मजा आ गया रोहित भाई, रेसिपी में मजा आ गया। देखो गाइस आप भी ट्राई करना, दाल चिकन चावल सब मिक्स करके बनाना, ठीक है, काफी मजा आ रहा है। तो अब देखिए आप टाइम लैप्स। ये बर्तन धोने जा रहे हैं कमलदार में और राहुल भाई हमारे सो गए हैं अंदर, सोए तो नहीं है मतलब वो नहीं आ रहे, तो हम अभी हम चल रहे हैं। पर इधर को देखो आगे को तो ये बर्तन धोते हैं, उसके बाद आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। ये ठंड से तो बर्तन धोते हैं फटाफट से, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस रात के बज चुके हैं 12:30, तो अब करते हैं सोने की तैयारी। कैंपिंग बहुत अच्छी रही और करते हैं स्लीपिंग बैग तैयार। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। काफ़ी अच्छी नाइट रही हमारी, बहुत ही बढ़िया रहा। और अभी सीधे जैसे ही उजाला हुआ वैसे ही नींद खुली, मतलब अब देखो यार बाहर का मौसम देखो, ये देखिए तगड़ा मौसम हो रहा है, कुछ नहीं कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस, देखिए आप कहीं पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखिए। कुछ इस तरीके का हो रहा है मौसम। और हम लोग यहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर देखे हैं, मौसम कब जैसे ठीक होता है हम वैसे ही आते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज ये है दूध, अब इसमें डालते हैं हम दूध। तो हम 3 जने हैं यहाँ पे, कमला सानी की नहीं है, इसमें डालो ना है। तो गाइज अभी हमारी बन रही है चाय की तैयारी हो रही है, बड़ी मुश्किल से हमारी आग जली। पाउडर वाला दूध लाए थे हम, वैसे वाला दूध हमको मिला नहीं,
तो उसको पहले गर्म करते हैं, उसके बाद इसमें पत्ती डालते हैं, फिर कॉफ़ी डालते हैं, फिर कॉफ़ी पीते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस चाय हमारी हो चुकी है रेडी, तो हम चाय का मजा लेते हैं। और भाई लोग क्या बोलना चाहोगे फर्स्ट कैंपिंग के बारे में, क्या कहोगे? बहुत मजा आ रहा है। बस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कमल लागे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो गाइस फाइनली हमने टेंट पैक कर दिया है, हमारा सारा सामान पैक हो गया है, ये बैग है, ये हमारा टेंट है। और राहुल भाई और लोहिया जी, हेलो। तो यार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।